आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल सिंपल टेक सपोर्ट चैनल, और आज मैं आपको Android से रिलेटेड ऐसे नए और बहुत ही यूनिक आपको कोड के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी आपने देखा होगा कभी भी आपके फ़ोन में जब आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या फिर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं होती या आपका फ़ोन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करना होता, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके कुछ अर्जेंट कॉल हैं वो आपके फ़ोन पर आते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते बिकॉज ऑफ आपके फ़ोन में बैटरी कम है या कुछ और वजह हो सकती है, तो उसमें होता यह है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, काफ़ी सारा आपको लॉस हो सकता है, और आप चाहते हैं कि आपके जो वो नंबर है उसका जो कॉल है वो किसी और नंबर पे आपके जो दूसरा नंबर है उस पर चला जाए, तो आपको क्या करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि मान के चलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद आप एक फ़ोन अपना घर पर छोड़ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें रोमिंग है, यानी कि आप रोमिंग वाला कोई नंबर यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो वाला जो आप जब आप रोमिंग में जाते हैं तो आगे आप पैसे कट रहे होते हैं, तो वो नंबर आपका जो भी कॉलिंग वगैरह आए वो दूसरे नंबर पर आपके आ जाए, तो वो कैसे करते हैं उसके लिए कुछ कोड है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें डायरेक्ट मैं कोड बताऊंगा, वहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली उसमें कॉल सेटिंग पर जाकर इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अपने डायलर पर जाना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है **6*2*, और उसके बाद आपको अपना जो भी नंबर, जैसे मान के चलिए मैं अभी इस फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका जो नंबर है मेरे दूसरे वाले नंबर पर चला है तो मुझे दूसरा वाला नंबर डालना पड़ेगा, इस वाले फ़ोन का नहीं डालना है, जिस फ़ोन पे मैं कॉल को फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस पे आपको डालना पड़ेगा। तो मान के चलिए मैं अभी एक नंबर डाल देता हूँ ऐसे ही टेम्परेरी, ठीक है, और उसके बाद मैं इस पर हैज पे क्लिक करके इसको कॉलिंग कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे मैं इसको कॉलिंग पर करूँगा तो कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया है। अगर मुझे ये चाहना है कि मुझे इसको डिसेबल करना है, मैंने तो अभी कॉल फॉरवर्ड कर दी है, यानी कि जो भी मेरे इस फ़ोन पे नंबर कॉल आएगा वो मेरा उस वाले नंबर पे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉल फॉरवर्डिंग है मेरा फ़ोन सही हो गया है या मैंने दूसरा फ़ोन परचेस कर लिया है और वापस से उसमें डिसेबल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कोड है वो आप मुझे टाइप करना होगा, वो है *##002#, तो डिसेबल करने के लिए कॉल फॉरवर्डिंग को मुझे ये नंबर टाइप करना होगा, और जैसे ही मैं इस नंबर को टाइप करता हूँ और इस पर कॉलिंग करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कॉल फॉरवर्ड इरेज सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुल इरेज हो गया है, जो मैंने कॉल फॉरवर्ड कर रखा था वो मेरा सक्सेसफुल इरेज हो गया है। तो अब आप बड़े आसानी से अपने फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही यूनिक है। हालांकि ये जो सारे काम है जी हम सेटिंग्स में आकर भी करते थे पहले, लेकिन यहाँ पर जो कोड है उसकी मदद से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी एडवांस नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपली आपको **6*2# हैज और अपना नंबर और आपको टाइप करना है, जो भी हैज आपको टाइप करना है, और उसके बाद अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो **#0002# आप इसमें टाइप कर सकते हैं और उससे आपका जो भी कॉल फॉरवर्ड है और वो सारा इरेज हो जाएगा और कॉल फॉरवर्ड भी हो जाएगा। बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।